शहर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बसंत पंचमी हर्षोल्लास से मनाई गई। बसंत पंचमी पर्व के साथ ही SUPW कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई व रंगोली सजाई। इस मौके पर मां सरस्वती का पूजा कर बच्चों को मिठाई बांटी गई। सर, आज SUPW कैंप का हमारे स्कूल में आयोजन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और वेस्ट मटेरियल से कई सारी चीजें बनवाई गई। इसमें सभी बच्चों का योगदान बहुत अच्छा रहा, टीचर्स ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। इसके साथ स्वच्छता का काम भी हमारे विद्यालय में करवाया गया, इसमें सभी बच्चों का बहुत अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज इसके उनको इससे स्वच्छता के बारे में पता चला और उनकी जो प्रतिभाएं छुपी हुई थी उनका हमको पता चला कि क्या क्या बच्चों में प्रतिभाएं हैं। इससे बसंत पंचमी के लिए क्या विशेष किया गया आज स्कूल में बच्चों के लिए? सर, बसंत पंचमी के लिए सुबह सरस्वती पूजन करवाया, सरस्वती पूजन हमारी प्रधानाचार्य ने किया, बच्चों को मिठाई वितरण किया गया और उनको सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं उनके बारे में बताया गया, सरस्वती वंदना हुई और बस इसके साथ फिर हमारी जो दूसरी गतिविधियाँ थी उनका शुभारंभ हुआ। क्या नाम है आपका, क्या दायित्व है? बसंत पंचमी के साथ हम लोगों ने SUPW का कैंप का इनॉग्रेशन भी किया है। 3 दिवस SUPW कैंप आज से ही प्रारंभ हुआ है। आज के दिन हमने सुबह सरस्वती पूजन के साथ ही SUPW कैंप का आगाज किया। इसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और वेस्ट मटीरियल से बेस्ट फ्रॉम वेस्ट कुछ चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। साथ में स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए विद्यालय कैंपस की सफाई बच्चों द्वारा कराई गई है। बच्चों के लिए ऐसा क्या विशेष किया गया है ताकि वो मोटिवेशनल हो सके और आगे की चीज़ों में सुधार कर सके, और क्या क्या उन्होंने आज किया? बच्चों ने जितनी भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया उसके लिए हमारे जो प्रभारी टीचर हैं SUPW की, उन्होंने स्वयं ने कुछ आर्टिकल्स ऐसे बना करके वेस्ट मटीरियल से बच्चों को प्रेरित किया कि कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे ऐसे बाहर फेंकी नहीं जा सकती, डस्टबिन में सीधे न डाल करके पहले उससे कोशिश करें कि कहीं कुछ उपयोगी सामग्री हम बना सकें। क्या क्या आर्टिकल बनाया है बच्चों के द्वारा? बच्चों ने आज तो फोटो फ्रेम जैसे कंप्लीट किया है, फ्लावर पॉट बनाया है, इस तरह के कुछ आइटम्स बनाए हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चों का कार्य अधूरा है जो सोमवार को पूरा करके लाएंगे। क्या नाम है मैडम? पुष्पा कुंदरानी। क्या पद है? मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत।